नमस्ते बच्चों, क्या आपको याद है लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे? डू यू रिमेम्बर व्हाट वी लर्न? वेयर वी स्टॉप द स्टोरी? देखिए, केशव नामक एक व्यक्ति था। वो गंगापुर गांव में रहता था, है ना बच्चों? और उसका काम था दूध बेचना। दूध बेचकर आते वक्त उसने किसी दिन का एक साधु को देखा, साधु को देखकर उसने क्या कहा? साधु साधु ने कहा, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा पानी दीजिए। तो केशव ने क्या किया? साधु को पानी दिया। पानी मिलने के कारण साधु ने बहुत प्रसन्न हुए, है ना? इसलिए साधु ने क्या किया? केशव को एक क्या दिया? मुर्गी दिया। इस मुर्गी की विशेषता क्या थी बच्चों? इस मुर्गी की विशेषता है, यह रोज एक सोने का अंडा देता था। मुर्गी क्या देता था? सोने के अंडा देते थे। अब देखिए, केशव को क्या मिला? मुर्गी मिला। क्या मिला? मुर्गी मिला, है ना बच्चों? देखिए, केशव मुर्गी मिला। वो मुर्गी लेकर कहाँ जाते थे? केशव कहाँ गया होगा? या जरूर उनका घर गया होगा, है ना बच्चों? जरूर उनका घर गया होगा। देखिए बाकी बात, पेज नंबर 8 में सेकंड पैराग्राफ। केशव सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पाकर खुश हुई और उसे लेकर घर चला आया। मुर्गी रोज उसे सोने का एक अंडा दिया करती थी। इस कारण धीरे धीरे केशव की गरीबी दूर होने लगी। एक दिन केशव के बाहर जाने के बाद उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों ना इस मुर्गी का पेट काटकर सारे अंडे हम निकालें और शीघ्र ही धनी हो जाए। देखिए, केशव सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पाकर खुश हो गया। केशव क्यों खुश हो गया बच्चों? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिला। देखिए क्या मिला? मुर्गी क्या देते थे केशव को? सोने का अंडा। क्या आप देखा है सोने का अंडा? नहीं, इंच
मुर्गी तड़प तड़प कर मर गई। देखिए उसके पेट से एक भी अंडा नहीं निकला। यशोदा की पत्नी है देखो बहुत दुखी हुई, उस मुर्गी के पेट से एक भी अंडा नहीं निकला, एक भी अंडा नहीं मिला किसको, केशव की पत्नी को। इसलिए बहुत केशव की पत्नी बहुत दुखी हुई। शी सो सैड बिकॉज शी डिड गेट वन एग फ्रॉम द स्टॉक ऑफ एंड, है ना। इसलिए वो बहुत दुखी हुई, उसको अंडा नहीं मिला। केशव की पत्नी को बहुत दुखी हुई, मुझे भी बहुत दुख, मैं भी बहुत दुखी हूँ, मुझे भी बहुत दुख हुआ। वो क्या हुआ, आपको दुख हुआ है क्या, हाँ। हैन को क्या हुआ, हैन मर गया, हैन डाइड। इसलिए मुझे, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। क्या आपको दुख हुआ है क्या, ज़रूर होगा, है ना बच्चों। देखिए बाकी आगे क्या सीखा।